और हिम्मत कही कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होता है सारा देश और दुनिया मान रहा है जो बनाया है वो कह रहा है की तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ उनकी सत्ता नहीं थी बीजेपी की जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी सत्ता में है वहाँ ये खेला खेल जा रही है भाई समाजवादी पार्टी हारी कहाँ है हाजी तो है भाजपा क्या है जनाधार भैया बिहार में पप्पू यादव की तरह उनकी स्थिति है फिर वही बात कर जी। या आप दलित नेता अगर रावण है तो उनको तो सदन में जाकर आवाज उठाना जरूरी था ना कि बीस सीटों पर लड़कर हारना जरूरी था हमें तो यादवों जाटवों ने लूटा ईवीएम में कहा दम था हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ मुस्लिम का वोट कम था चंद्रशेखर हमारे पार्टी में हैं मायावती देश के दलित नेता है और बड़ी नेता है जी। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए दलित समाज आज भी मायावती जी के साथ है और ये ये फैलाया जा रहा भ्रम कि दलित है उधर चला गया ऐसे चला गया रावन एक अच्छे लीडर थे उनको हम लोगों ने बुलाया था और उनको सुनिए नहीं सुनिए उनको हम दो सीट दे रहे थे और कहे की आप सदन में जाइए सदन में जा करके दलितों की बात को उठाना ज्यादा जरूरी था कि ज्यादा सीट पर लड़के हारना ज्यादा जरूरी था जाटो ने हमको वोट किया है आप देखिए लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए जहाँ पे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया जीप चढ़ाया गया था वहाँ पे क्या किसान बीजेपी को वोट करेंगे इस चीज को बहुत देश को सोचने पर मजबूर कर रहा है आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान हमारी मौजूदगी बिहार के सपा कार्यालय में है और हमारे साथ सपा के कार्यकर्ता प्रवक्ता कहिए सब सपा के सिपाही हैं और जोश थोड़ा कम लग रहा है एक शायरी के साथ हम अपने बात की शुरुआत करेंगे ये शायरी फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है लिखा हुआ कुछ यूं है हमने नहीं लिखा है लिखा हुआ कुछ यूं है कि हमें तो यादवों जाटवों ने लूटा ई में कहाँ दम था हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ मुस्लिम का वोट कम था क्या कहिएगा धर्म जी देखिए जाटो वोट हम लोगों को किए हैं दो चीज समझिए उस जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बात हो रही है जी। वहाँ पार्टी किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी जी। तीन सौ यूनिट बिजली फ्री की बात हुई थी गन्ना के जो है मूल्य जो है उसको चुकाने की बात हुई थी रेट बढ़ाने की बात हुई थी बकाया पैसा देने की बात हुई थी इस मुद्दा पर जाटो ने समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे और समाजवादी पार्टी को वोट किए हैं जहाँ तक बात रही आप जो कह रहे हैं कि जाटो ने डूबे

सुरक्षा उसके हाथ में थी ममता बनर्जी ममता बनर्जी भी, भी चुनाव हार गई थी ये नहीं कही अरे आपको मैं बता रहा हूँ सुनिए दो चीज समझिए जी तीन, आप देखिये जब मतगणना जिस दिन हो रहा था हमारी पार्टी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिएगा देख लीजिएगा साढ़े दस बजे तक दिन में तीन सौ बारह सीट पर हम आगे चल रहे थे कोई भी चैनल वाले गोदी मीडिया नहीं दिखाया कि समाजवादी पार्टी तीन सौ बारह सीटों पर आगे चल रहे हैं और वहाँ हमारी संख्या को एक सौ करके दिखाया गया ये पूरे प्रशासन को मायाजाल में इसको घेरने का प्रयास किया गया कि देखो समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है और वहाँ से अफसरों को फोन करके धमकाया जा रहा था हमारे जहां कैंडिडेट 100 दो वोट से जीत रहे जीत गए थे उसको रोक दिया गया और उसको फिर बाद में रिकाउंटिंग में 500 सौ और दो सौ एक सौ पचास वोट चहराए जा रहे थे यह क्यों ऐसा किया गया और प्रशासन उसकी बात को सुनने लगे थे तो यह मीडिया देखिए बड़ी चालाकी से बीजेपी भी काम कर रही है देश में जो चौथा लोकतंत्र है ना उसको अपने अधीन कर लिया है खरीद लिया उसने और उससे पूरे समाज को पूरे देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने मुद्दा पर चुनाव लड़ा लड़ी हमारी पार्टी और हमारी पार्टी को मुद्दा पर उन्होंने वोट किया है किसानों को तीन सौ यूनिट बिजली फ्री चाहिए था इसलिए जाटों ने हमको वोट किया उसको चाहिए था गन्ना का जो मूल्य बकाया उसको वापस चाहिए था उनको मूल्य चाहिए था उस पर जाटों ने हमको वोट किया है आप देखिए लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए जहाँ पे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया जीप चढ़ाया गया था वहाँ पे क्या किसान बीजेपी को वोट करेंगे इस चीज़ को बहुत देश को सोचने पर मजबूर कर रहा है देश के उन नौजवानों को भी सोचने के लिए ये हम लोग काफी दिनों से सोच रहे इस चीज़ को कि क्या इस तरह से न्याय होने के बाद भी लोग उनको वोट कर रहे हैं आप हारते हैं तो बहन जी को दोष देते हैं आप हारते हैं तो ओवैसी को दोष देते हैं आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष अपना नाकामी निकालिए देखे हम कहां कमी रहे देखिए हम देखिए नहीं हम बता रहे हैं आपको ना देखिए देखिये काम किया है देखिए ओवैसी फैक्टर हमारे यहाँ कोई नहीं काम किया है उत्तर प्रदेश में ओवैसी कोई काम नहीं किया ओवैसी आप तो बी टीम कहते हैं नहीं सुनिए ना ओवैसी का वोट उत्तर प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिन लोगों ने इसको ओवैसी को नकारने का काम किया ओवैसी को वोट जो है नोटा से भी कम मिला तो वैसी चीज जी इस फैक्टर में काम नहीं किया रहा बात मायावती मायावती देश के दलित नेता है और बड़ी नेता है जी। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए दलित समाज आज भी मायावती जी के साथ है और ये ये फैलाया जा रहा है भ्रम की दलित दस परसेंट उधर चला गया ऐसे चला गया ये सब वोट भाजपा में गया अरे भैया अरे भैया ये खे, खेला खेला गया है बीजेपी के द्वारा इस खेला को समझिए देश के नौजवानों को अब क्रांति की जरूरत है आप मानते हैं की मायावती को वोट मिला है दलित का वोट मिला है अरे मिला है भाई क्यों गए मायावती देखिए आप देखिए मायावती के देखिए रावण के साथ नहीं गए अब रावण देखिए देखिये सुनिए रावण के बारे में बात कर रहा हूँ रावण सुनिए ना रावण को अपने बातों को समझना चाहिए था रावण का चाहे वोट चाहे जितना मिला हो राजनीति में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि, कि किसी को इतना वोट मिला उतना वोट बुला रावण एक अच्छे लीडर थे उनको हम लोगों ने बुलाया था और उनको सुनिए नहीं सुनिए उनको हम दो सीट दे रहे थे और कहे कि आप सदन में जाइए सदन में जा करके दलितों की बात को उठाना ज्यादा जरूरी था कि ज्यादा सीट पर लड़के हारना ज्यादा जरूरी था

चलिए बोलिए आप बोलिए आप कंटिन्यू देखिए उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी के अलावा हमारे पार्टी में वो को थे वो लोग हम लड़ रहे थे नौजवान दलित लोग हम लोगों को वोट किए हैं समाजवादी पार्टी को और मैं क्षेत्रों में भ्रमण किया वहाँ या तो मायावती को कुछ जा रहे थे हाथी साहब को या फिर अखिलेश भैया के साथ थे जहाँ तक बात है और नेताओं की दलित मतलब रावण को दो सीट देखी लोली देखिये क्या है जनाधार भाईया बिहार में पप्पू यादव की तरह उनकी स्थिति है फिर वही बात कर करजिएगा या दलित नेता अगर रावण है तो उनको तभी सदन में जाकर आवाज उठाना

दलित पर भरोसा नहीं आप, है तब आप तो अपने अपने अपना भी नहीं नहीं, नहीं सुनिए ना सुनिए ना आप उस चीज पर देखिए उस चीज पर हम लोग मंथन कर रहे हैं ये बीजेपी भ्रम ना फैलाए कि जादो हमको सपा को वोट नहीं किया मुसलमान वोट कट गया है वो वोट कर गया पाँच परसेंट दलित ये सब नहीं फैलाने के जी नहीं देखिये जादो का जहाँ जहाँ वोट कटने की बात हो रही है ये फैलाया जा रहा है वहाँ जादो हम लोग वोट किए हैं ईवीएम की सुरक्षा हम लोग करनी चाहिए थी और हिम्मत कही की गड़बड़ी नहीं होता है सारा देश और दुनिया मान रहा है जो बनाया है वो कह रहा है की भी भी अरे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ उनकी सत्ता नहीं थी बीजेपी की जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी सत्ता में है वहाँ ये खेला खेल जा रही है और इस चीज को समाजवादी पार्टी बखूबी से समझ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हम लोग देखे बयान भी हम लोगों ने देखा है और आज ये हमको गर्व है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता चुनाव हारने के बाद भी जोश और जुनून और इस ताकत के साथ खड़े हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन जारी रहेगा देश में अब नई क्रांति का उदय होने वाला है आप देखिए अब वोट का जब हरण होने लगेगा जब वोट का हरण होने लगेगा तो फिर क्या होगा जनता स्वीकार किए जनता ने चचा चचा कहाँ कमी रह गई आप एकदम क्लियर कट बताइए एकदम नेता की तरह बात कर रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी हारी कहाँ है आ, हारी तो है भाजपा भले सरकार बना ग्राँग ले ग्राफ डाउन हुआ है हम ग्राफ डाउन हुआ है आ, और समाजवादी पार्टी का ग्राफ ऊंचा हुआ हुआ है जी दोबरी तेबरी बढ़ा है जी तो कम हम हारे कहाँ हैं कमी कहाँ रह गई आप लोग 400 300 सौ साढ़े तीन, सो, तीन का दावा कर रहे थे बस वही है कमी जी कि थोड़ा सा हम लोग भूल किए अपना मत को रक्षा नहीं कर पाए अच्छा मत जो पड़ा आए भी है, मशीन को रक्षा नहीं कर पाए आप भी ये चीज मान रहे हैं कि इवियं के की के वजह से हारी है ये नहीं कहिएगा कि यादव और जाटव ने वोट नहीं ना, ना, दिया।, दिया है जी कैम कहें नहीं दिया है मायावती और रावण के साथ नहीं जाना ये भूल नहीं कहिएगा भूल कहे कहा जाएगा उतना सीट जितना सीट मांग रही थी उतना सीट हम कहाँ से दे पाते थे सीट तो बढ़ता नहीं तो फिर कहाँ से मिलता चलिए ये थे हमारे साथ धर्मवीर भाई और हम बिहार के समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं और इनका कहना है चचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम हारे नहीं हैं हमारा ग्राफ ऊपर हुआ है अगर देखा जाए तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुई है भले ही सरकार बना ली वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए कैमरा पर्सन जरीन के साथ मैं हूं अमान शुक्रिया